छुप छुप कर मिलना प्रेमी जोड़ों के लिए बड़ी ही आम बात है, लेकिन अगर ये ही मुलाकात एक घटना में तब्दील हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसी ही घटना सामने आई है मसौड़ी से, जहाँ पर एक प्रेमी युगल एक दूसरे से मुलाकात करने तो पहुँचते हैं, लेकिन उनकी ये मुलाकात प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक हो जाती है। लोग मिल जाते हैं और उनकी शादी जबरन करा दी जाती है। इतना ही नहीं, शादी सुखी संपन्न तरीके से हो जाती है और उसके बाद दूल्हा वापस भाग जाता है। लेकिन इन सब के बीच दूल्हे का पीछा करते करते ये नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ आप इस वीडियो में देखिए। जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ने की कस्में खाकर प्रेमी जोड़े ने मंदिर में शादी रचाई, लेकिन बीच रास्ते में ही दूल्हा ने अपनी दुल्हन को चकमा दे दिया और फरार हो गया। ऐसे में दुल्हन अपने पति को खोजते खोजते उसके घर पहुंच गई, जहां उसका स्वागत आरती की थाली के बजाय लाठी डंडे से सास और ननद ने किया। दरअसल मामला मसौड़ी अनुमंडल के धनरुआ थाना क्षेत्र के रेड बिघा गांव का है। जानकारी के अनुसार यहां के साहिल कुमार नाम का एक शख्स पिछले 2 वर्षों से चक्रमासी गाँव की एक युवती से प्रेम करता था। सुबह सामाजिक दबाव में उसने शादी रचा ली। शादी के बाद वो उसे घर ला रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गया। ऐसे में दुल्हन उसे खोजते हुए अकेले ही घर पहुंच गई, लेकिन ससुराल में उसका स्वागत लड़के की माँ बहन और दादी ने लाठी डंडे से किया। तो शादी की कई सारी कहानियां अक्सर हमारे सामने आती है, लेकिन ये कहानी एक प्रेम कहानी के अलावा धोखेबाजी की कहानी भी सामने आई है। दरअसल शादी विवाह जबरन तो करा दी जाती है, लेकिन दूल्हा रास्ते से ही चकमा देकर दुल्हन को फरार हो जाता है और जब दुल्हन उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंचती है तो उसका स्वागत आरती की थाली के बजाय लाठी डंडों से किया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस तक जानकारी तो नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे ही ये जानकारी पहुंचेगी इस मामले पर जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस लड़की के साथ ये पूरी घटना घटी है आप उसके दर्द को सुनिए। साहिल कुमार, लड़का का बाप के नाम है जवान जवान प्रसाद है। 20 साल से हमको अजी ना साल बजी चुप रहा ना बोलना बोलना तू 20 साल से बात करते हैं। तो खबर थी बिहार के मसौड़ी से, जहां पर इस तरह की तस्वीर सामने आई और शादी विवाह एक मुलाकात इस तरह से एक घटना में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि ये प्रेमी युगल एक दूसरे से पिछले 2 वर्षों से प्यार करते थे, मुलाकातों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था, लेकिन जब इस मुलाकात को इस प्रेम को एक रिश्ते का नाम दिया गया, 7 जन्मों के लिए बांधा गया, तो दूल्हे को ये नाम मंजूर हुआ। दूल्हे ने रास्ते में ही चकमा देकर दुल्हन को धोखा दिया और जब दुल्हन उसके घर पहुंचती है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस पूरी प्रेम कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।